हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी होंगे सुरक्षित और सेहतमंद। और आज मैं आपके साथ व्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में लाजवाब है। तो शुरुआत करते हैं व्लॉग की। मैं बना रही हूँ नींबू पानी और मैं भुट्टा छिलूंगी सबसे पहले। तो लो भाई, शुरुआत कर दी है। एक्चुअली मुझे भुट्टा छिलना था इसलिए मैं बैठ गई। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, भुट्टे की सब्जी यानी कि मक्की के दानों की सब्जी किस किस ने खाई है और किस किस ने बनाई है भाई? और आई थिंक मुझे लगता है जहाँ तक बहुत रेयर चांस हो गए कि मतलब आप लोगों ने खाई होगी। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये रेसिपी। और बस भुट्टा छिलने में जो टाइम लगता है वो लगता है, नहीं तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर फटाफट ये भुट्टा मैंने छील लिया है। तो भुट्टे सारे छीन लिए, मतलब चार थे। जो ख़राब दाने थे वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि भाई ये हमारे काम के नहीं है। और सब्जी में मुझे दो ही भुट्टे की ज़रूरत है। साथ के साथ भाई नींबू का पानी घटक लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और ये देखिए छिलका बहुत ज़्यादा निकला है और मक्की के दाने थोड़े हैं। तो दो तो हम भून के खा लेंगे और दो हमें चाहिए थे। और यहाँ पर पानी लगातार घटकते हुए, ओहो बर्फ़ भी थी इसमें तो फिसल गई। तो ये देखिए बाकी तो रख दिए हैं मैंने और इनके मैं दाने इस तरीके से निकाल रही हूँ। आप देखिए, तो आप दाने अगर इस तरीके से निकालोगे ना तो बहुत ईजिली निकल जाएंगे। अगर एक एक दाना निकालने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। और इससे ऐसे चाकू से ऐसे निकालोगे जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ तो बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए निकल गए ना सारे दाने। और ये बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि इसमें रुआ ज़्यादा है, तो सब निकल गया बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर मैंने अपना काम कर लिया। तो यहाँ पर दो मक्की छीलनी है। तो उर्वी को पीना था नींबू पानी, उसने भी पी लिया था नींबू पानी। मम्मी ने दो डेढ़ ग्लास दे दिया। उसके बाद आगे की रेसिपी आपके साथ करूँगी शेयर। और बताइए मैंने मेरी साड़ी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है ये साड़ी जिसका ब्लू बॉर्डर है, इस पर गोल्डन वर्क है। तो यहाँ पर ये देखो फटाक देसी पानी वानी पी के यहाँ पर ये मैं धो रही हूँ। मक्की को धोना बहुत ही ज़रूरी है तो क्योंकि इसके अंदर जो रोई होते हैं ना वो निकालने हमें, तो इसको आराम से धोना। कच्ची मक्की होती है तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद पानी भी निकलेगा जो कि मीठा मीठा होता है। तो इसको अच्छे से चार पांच बार हमें आराम से धोना है। तो यहाँ पर मैं छलनी में डाल के धो रही हूँ, उसमें कटोरे में अच्छे से धोया नहीं तो इसमें से अच्छे से निकल जाएंगे सारे रोए वोए। तो ये देखिए आराम से छाटना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धो लीजिए आराम से। और ये देखिए फिर इसमें से सारा पानी निचड़ जाएगा इसलिए मैंने छलनी में डाल लिया था। तो अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी, यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ प्योरे की, तो जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं चार से पांच हरी मिर्च ले रही हूँ। तो भाई ग्रेवी इसकी बहुत शाही होने वाली है, तो इसमें हम काजू बादाम जो भी आपके पास है वो ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसकी था गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हमें चाहिए है। तो मोटे मोटे तीन टमाटर ले रही हूँ, कंजूसी ना करिएगा। और साथ में हम इस छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये साबुत धनिया जो कि मेरे को कितना पसंद है आपको पता ही है, तो वही डाल रही हूँ। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। साथ में मैं काट रही हूँ यहाँ पर एप्पल क्योंकि उर्वी अभी कार्टून देखने में व्यस्त है, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए एप्पल काट देती हूँ। खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा चलो साथ में मेरा भी पेट पुजाती रहेगी, इसलिए ये मैंने आधी एप्पल उसके लिए काट दी, आधी अपने लिए बचा ली थी। तो ये देखो कितने मस्त होके कार्टून में लगी हुई है। तो इसके लिए मैं चलो पहले ये दादी पोती बैठी हैं तो आप लोग ये खाइएगा, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ और आगे किचन में आके। तो थोड़ा सा आज लेट हो गए थे क्योंकि सुबह नहा धो के काम वाम करके बाद में खाना बनाने लगे थे। नाश्ता मैंने आज दिन पोहा बना लिया था ब्रेकफास्ट में, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च पत्ता गोभी अगर आप चाहो तो काट सकते हैं। और साथ में मक्की के दाने धो के बिल्कुल पानी निकाला कर लिया निचोड़ के और ये रख लिया। साथ में अगर आप चाहो तो पनीर, पनीर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए आइए सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रख दिया, पापा आ गए थे इसलिए मैंने पल्लू कर लिया था।
तो भाई मैं बना रही हूँ देसी घी में, जो कि 2-3 चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं लेना। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और ये देखिए, और जो मेरी कढ़ाई को देख के कमेंट करते हैं ना कि मतलब अच्छी नहीं लगती ये, नहीं तो भाई ये मेरी बहुत पुरानी है, दादस के टाइम की, तो कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी लगती हैं, इसीलिए इसको मैं साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी अच्छी लगती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि घी गर्म करके इसमें सबसे पहले हमें शिमला मिर्च को 1 मिनट तक पकाना है, 1 से 1.5 मिनट सबसे पहले शिमला मिर्च ही डालेंगे, फिर मक्की के दाने। अगर आपके पास पनीर हो तो दी बेस्ट है, आप उस टाइम पे पनीर भी डाल सकते हैं साथ में। जब आप मक्की के दाने डालेंगे तो मक्की के दाने डाल के फिर 1 मिनट चलाना है, फिर हम इसमें डालेंगे अपना पत्ता गोभी। तो ये देखिए सारी की सारी पत्ता गोभी डाल के अब इनको फ्राई करेंगे हम, 2 से घी ज़्यादा नहीं है। साथ में पनीर हो वो भी सबसे बेस्ट है, वो भी डाल दीजिए। तो उसको भी हल्का हल्का ऐसे ही फ्राई करना, लेकिन वो डालना है सबसे लास्ट में, क्योंकि वो पनीर टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं, इनको सेक लगा लूँगी, 2 से 3 मिनट भूनूंगी। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार 1.5 छोटा चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि कच्ची सब्जियां ये हैं और मक्की भी थोड़ा मिठास होता है, और सब्जियों में इनमें भी हल्का फुल्का मिठास होता है। तो ये 5-6 मिनट तक अच्छे से हमें सेक लगाएंगे सब्जियों को, घी में फ्राई करना है यानी कि हल्के से घी में। और जब हमारी ये सब्जियां कलर चेंज कर जाएं, ये लगेगा बिल्कुल प्यारा सा कलर आएगा इसमें, बिल्कुल आपको जैसे मैंने दिखाया है बिल्कुल जूम करके, तो जब ऐसे कलर चेंज हो जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। और गैस मैंने धीमी कर दिया, क्योंकि आगे की रेसिपी और भी इसी कढ़ाई में बनाऊंगी मैं ये वाली। तो इसमें मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच घी के डाले हैं, वो देसी घी के, आप रिफाइंड या वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, जीरा चटक रहा तब तक मेरा, मैं भुट्टा भून रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई जब तक खाना बनता है तब तक हम भुट्टा भून लेते हैं साथ के साथ, जब तक मेरी आगे की रेसिपी पकेगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं आपको बताऊँगी कहाँ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं भुट्टा साथ के साथ ही अपना भून रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 भुट्टे निकाल लिए थे सब्जी के लिए, छोटे भुट्टे थे इसलिए मैंने 2 के 2 निकाल लिए, अगर बड़ा भुट्टा होता तो 1 में ही काम चल जाता। तो 2 मैं भून रही हूँ। तो यहाँ मेरा घी और जीरा चटक गया था घी गर्म होने के बबाद, और यहाँ पर मैंने बारीक कटे 3 प्याज बारीक कटे हुए थे वो डाल दिए हैं, और इनको मैं गुलाबी होने तक भूनूंगी। तो तब तक मेरे प्याज हो रहे गुलाबी, साथ साथ भुट्टा भुने जा रहा है। तो ये देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से गुलाबी हो गए। अब इसमें हम अपने जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, नमक हमने पहले भी डाला है तो ध्यान रखना है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो साथ के साथ भुट्टे पे भी मेरी पूरी नज़र है कहीं जल ना जाए, तो धीमी गैस पे मैं भुट्टा भून रही हूँ। साथ के साथ ये मसाले भूनने में जो आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना, तो बहुत अच्छे से आपके मसाले का स्वाद उभर के आएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मसाले हमारे अच्छे से पके हों तो बहुत ही अच्छी आपकी सब्जी का टेस्ट आएगा। तो बस प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें अपनी जो प्योरी बनाई थी मैंने, क्या क्या डाला था वो तो मैंने बता ही दिया, तो इसमें वो डाल देना है सारा का सारा। तो पानी अभी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमें ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो ये देखिए, तो यहाँ मसाला भूनने में हल्का सा टाइम लग रहा है, तो साथ के साथ मैं मसाला भून रही हूँ। मैंने बताया था ना कि साथ के साथ मेरा भुट्टा भी भून जाएगा, और धीमी गैस करके हमें मसाला भूनना है, और बहुत अच्छे से भूनना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। मेन ये आप टिप्स है रेसिपी की कि मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही अच्छा। तो यहाँ तो मसाला अपना आराम से भून जाएगा, और तब तक मैं अपने भुट्टे पे काला नमक और नींबू रगड़ रही हूँ। तो बताना किस किस को पसंद है ऐसे भुट्टा खाना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अच्छे से भून के, अच्छे से नमक लगा के, नींबू लगा के, वाह
आ गया होगा था अरबी मुंह में पानी, बता दी हो तो किस किस ने कि किस किस के मुंह में पानी आया ये देखो भी, खा लो आप भी। तो बस अब इस पे टूट पड़ांगे, पहले एक बार थोड़ी सी हाड़ सफाई कर दें। और ये हाड़ है मसाला कितना भुन गया है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हमें मिक्सी जार ने धोकर पानी डाल देंगे। पानी कितना डालना है वो ध्यान रखना है, ना ज़्यादा थिक हो ग्रेवी ना ज़्यादा पतली हो। तो इसमें हम 1.5 से 2 कप पानी डाल लेंगे, क्योंकि पकने के बाद फिर गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, तो बस ये इसने ढक कर हम मंदी गैस पे मतलब धीमी आँच पे 3-4 मिनट उबाल आने तक पकाएंगे। तब तक हम अपना भुट्टा निपटा लिया। आज थारा भी जिक्र रहा तो बता दियो मने। घनखरे कमेंट करेंगे दादी ते नहीं दिया, तो भाई दादी पे चबे कोनी ज्यादा ना दिया। तो भाई गर्मा गर्म भुट्टा नींबू लगा हुआ बहुत ही टेस्टी लग रहा था, सच में मजा ही आ गया था। एक तो भुट्टा और साथ में खा रहे थे, और साथ में भुट्टे की जो रेसिपी थी ये भी खाओगे तो आप मतलब मेरी तारीफ करते रह जाओगे, जरूर ट्राई करना। तो ये देखो दादी पोती खा रहे हैं, मुंह देखो उर्वी का, नींबू खट्टा खट्टा लग रहा है इसको ज्यादा। तो भाई एक बात और बता दूँ, थारा मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि यह वीडियो कद की है, कि तो ना लगती तो प्रेग्नेंट थी। तो भैया मैं बता दूँ 7.5 महीने पहले की वीडियो है। तो 233 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो पोस्ट करी थी तो इस पे व्यूज नहीं थे कुछ खास, तो मैंने दोबारा से पोस्ट कर दी। तो बताना कैसे लगी आपको। तो भाई कोई धोखा नहीं है, सारी सच्चाई बता दी मैंने आपको। तो इसमें ग्रेवी में फाड़ आ गया था तो सारी सब्जी डाल देंगे इसमें। तो यह भी बताइए साची साची, किस किस के मन में यह सवाल फुटा था कि यह वीडियो तो कौन लग दी विकी तो यह तो धोखा हो रहा है। तो कोई धोखा नहीं है भाई। और इसमें ईव थोड़ा सा गर्म पानी इसी में सब्जी में से ले लिया मैंने, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ये डालूंगी मैं ताकि ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाए, थोड़ा सा गर्म मसाला। और अब इसको 7-8 मिनट ढक के पकाना है। कॉर्नफ्लोर इतना खास ज़रूरी नहीं है, हो तो डाल दो नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, और धीमी आँच पे पकाऊँगी। तो ये देखिए भाई पकने के बाद सब्जी का रंग ढंग, साथ के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो बस लंच का टाइम हो गया, 12:30 का टाइम हो गया था, और फटाफट यहाँ पर रोटियाँ सेकी जा रही हैं और मम्मी डाल के पकड़ा रही हैं। ये देखिए